जेडीए से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन मानवाग सड़वा डुगरी के पास निजी खातेदारी की करीब 7 बीघा कृषि भूमि पर दो नए अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया है। जयसिंहपुरा खोर में निजी खातेदारी के करीब 2 बीघा कृषि भूमि पर नए अवैध कॉलोनी में निर्माण अधीन 6 अवैध विलाज को प्रारंभिक स्तर पर ध्वस्त करने का काम जेडीए ने किया है। हालांकि जेडीए की कार्रवाई पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने नाराजगी जताई है। लोगों के बुलाने पर वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि जेडीए को पहले नोटिस देना चाहिए था, इसके बाद अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जोन 10A के क्षेत्र अधिकारी इकोलॉजिकल जोन में अव्यवस्थित मानवा क्षेत्र सड़वा डूंगरी के पास करीब 2 बीघा जमीन खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर नूर पैराडाइज प्रथम के नाम से व इसी के पास दूसरी करीब 5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर नूर पैराडाइज सेकेंड के नाम से पिछले दिनों पर मौका पाकर रातों रात बनाई गई मिट्टी ग्रेवल सड़क और बाउंड्री वॉल व अवैध निर्माण कर दो नए अवैध कॉलोनी बनाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर आज जोन 10 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निर्देश पर प्रवर्तन दस्ते की ओर से जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया और नए अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया गया। मामले में कॉलोनाइजर से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियम अनुसार खर्चा वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जेडीए की ओर से जोन 10 के क्षेत्र अधिकारी इकोलॉजिकल जोन में अवस्थित जयसिंहपुरा खोर बस्ती वालों की ढाणी जिला जयपुर में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के निर्माण अधीन 6 अवैध विला मिट्टी ग्रेवल सड़कें बाउंड्री वॉल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन 10 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निदेशाही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया। धन्यवाद।